नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जर्नी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप ऐसी चार टीमें जो कि प्लेऑफ तक क्वालिफाई करने वाली है, जो कि हम लोगों को लगता है, प्रेडिक्शन है, जो कि लोगों के फैन रिपोर्ट वगैरह वगैरह करके हम लोग आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस बारे में पहले ही बता दें, ये कोई ऑन पेपर यहाँ पर लिखा नहीं गया, यहाँ पर एज हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं एज अ फैन, एज अ पिछले कुछ जो मैचेस खेले हैं, पिछले जो इनका परफॉर्मेंस रही है, उन टीमों को हम लोग लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, जो हम लोगों को लगता है कि चार ऐसी टीमें हैं जो कि प्लेऑफ तक आईपीएल 2022 में कर जाएंगी प्लेऑफ में। यानी कि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो गाइस, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली मिलती रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहली टीम जो आती है जो कि प्ले ऑफ तक पहुंच सकते हैं, उसका नाम है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि हर साल की तरह इस साल भी प्ले ऑफ तक जाने वाली है। पिछले साल टाइटल जीती थी, इस साल की बार भी हर साल ये प्ले ऑफ तक तो जाती है, तो यानी कि इस साल भी प्ले ऑफ तक कन्फर्म है। प्ले अगर जो इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। सीएसके के अगर जो पावर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर सीएसके के पास सबसे पहला पावर पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, और दूसरा आता है एक्सपीरियंस प्लेयर, और तीसरा आता है बल्क ऑलराउंडर। यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी टीम बना करके बहुत ही ज्यादा तगड़ी टीम दिख रही है हम लोगों को सीएसके की। अगर यहाँ पर सीएसके की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर बहुत तगड़ी प्लेइंग 11 बना रही है। रोबिन उपथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, अंबित रायडू, एमएस धोनी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जोरनदे एंड आदम मिलने एंड तुषार देशपांडे। अगर जो यहाँ पर बात करें इनके इंडियन कोर प्लेयर की, तो काफी ज्यादा इंडियन कोर, जो कि मतलब इंडियन प्लेयर्स हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रोबिन उथप्पा, अंबती रायडू एंड शिवम दुबे एंड तुषार देशपांडे, जैसे इंडियन प्लेयर हैं। और यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर पे जो टीम निकल के आती है, पांच बार जिसने आईपीएल जीता हुआ है, उनका नाम है मुंबई इंडियंस। हालांकि अब की बार देखा जाए तो ऑन पेपर मुंबई इंडियंस इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, क्योंकि पिछले साल की तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब की बार भी ये प्लेऑफ में जरूर जाने वाली है। यहाँ पर अगर जो बात करें मुंबई इंडियंस की, यहाँ पर सबसे अच्छा और एडवांटेज फैक्टर इनके पास वो है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी। अगर जो यहाँ पर दूसरी टीम्स को देखा जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स वगैरह या फिर और भी टीमों को, तो वहाँ पर प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है थोड़ी सी कम है, किसी का कोई प्लेयर स्टार्टिंग में नहीं आएगा। और अगर जो यहाँ मुंबई इंडियंस को देखें तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स में स्टार्टिंग से ही सारे बंदे, मतलब सारे प्लेयर अवेलेबल होने वाले हैं। यहाँ पर कैंप से भी कोई इंजरी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, सारे प्लेयर अवेलेबल है। अगर जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पावर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, एंड दूसरा आता है यूथ विद एक्सपीरियंस, और तीसरा आ जाता है मैच विनर्स। स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर एक इंडिया, मतलब किसी भी मैच को जिताने के लिए सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट होता है, इसीलिए मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ऑन ईशान कृष्णा। अगर जो प्लेइंग 11 की बात करें तो आप लोग मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहां पर रोहित शर्मा, ईशान कृष्णा, सूर्य कुमार यादव, एन तिलक वर्मा, कायरन पोलार्ड, टैम डेविड, डैनी डिसैम, जयदेव उत्कट, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे एंड टाइमल मिल्स, ऐसे आपको प्लेयर खेलते हुए नजर आने वाले हैं मुंबई इंडियंस की। जो कि खास बात आप लोगों को बताई, यहां पर सारे प्लेयर शुरू से ही अवेलेबल रह रहे हैं, और ये वाली चीज किसी और टीम के पास नहीं है। तो यानी कि हम लोगों को लगता है कि अब की बार जो दूसरी टीम है प्ले ऑफ तक जाने वाली, वो है मुंबई इंडियंस। आप लोगों को क्या लगता है, इसके ऊपर अपने राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना। तीसरे नंबर पे जो हमारी टीम आती है उसका नाम है रॉयल चैलेंज बैंगलोर। रॉयल चैलेंज बैंगलोर अब की बार फाफ डु प्लेसी की कैप्टनशिप के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टीम है। अगर जो ऑन पेपर देखें तो यहाँ पर ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन अगर जो बात करें दूसरी टीमों की, तो यहाँ पर दूसरी टीमों का कमजोर होने की वजह से यहाँ पर ये टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस हिसाब से, क्योंकि इनका ओपनिंग लोअर और मिडल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग ऑर्डर में इनके पास अच्छे खासे बॉलर है, और अगर जो यहाँ पर इनका आरसीबी के पावर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर इनके आ जाते हैं पावर पॉइंट्स। सबसे पहला आता है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है स्ट्रॉन्ग कोर, दूसरा आता है बॉलिंग लाइनअप, और तीसरा आता है एक्सपीरियंस। यानी कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं जितना इनका अच्छा स्ट्रॉन्ग कोर बैठ रहा है, यहाँ पर फॉरेन और इंडियन प्लेयर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक मतलब इंडियन और फॉरेन टीम का जो वो कॉम्बिनेशन होता है ना, एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर होता है एक टीम को जिताने में, इसलिए यहाँ पर हर टीम के पास ये फैक्टर मौजूद होना चाहिए। अगर जो टीम में फैक्टर नहीं बैठ रहा तो वो जीती जिताए टीम भी हार सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी टीमों की बात करी, तो यहाँ पर उन सब में फॉरेन और इंडियन प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैठता है। और यहाँ पर आरसीबी की दूसरी बात करें तो दूसरी
बात में यहाँ पर आ जाता है बॉलिंग लाइनअप। यहाँ पर बॉलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर्स है और एक्सपीरियंस यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। यहाँ पर जितने भी सारे प्लेयर्स है सारे के सारे एक्सपीरियंस है, विराट कोहली, डेविड मिलर जितने भी है सारे के सारे बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर है। बस यहाँ पर दिक्कत ये होने वाली है शुरुआती के दिनों में यहाँ पर अपने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मौजूद नहीं होने वाले, जो कि हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को पिछली वीडियो में। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो प्लेइंग 11 की बात करें आरसीबी की, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में आ रहे हैं सबसे पहले नंबर वन पे आ रहे हैं फाफ डुप्लेसी, अनुज राहुल, विराट कोहली, महिपाल रोमर, दिनेश कार्तिक सर, फिर रदरफोर्ड एंड डेविड मिलर एंड वसरिंगदु हसरंगा, हर्षद पटेल, मोहम्मद सिराज और सिद्धार्थ कौल यहाँ पर हम लोगों को प्लेइंग 11 करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि प्लेइंग 11 की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेइंग 11 होने वाली है इनकी। तो यानी कि हम लोगों को लगता है जो तीसरी टीम होने वाली है जो प्लेइंग 11 प्ले ऑफ में जाने वाली है उसका नाम है आरसीबी। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर जो आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आ रही हो तो अपना पसंद जो है लाइक के बटन के ऊपर दिखाइएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर हमारी जो आखिरी टीम निकल कर आती है जो कि हम लोगों को पर्सनली लगता है कि जो आपकी बार प्ले ऑफ में जरूर जाने वाली है उनका नाम है पंजाब किंग्स। यहाँ पर पंजाब किंग्स को हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी इनका अभी तक हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर रिकॉर्ड देखा काफी ज्यादा अच्छा है, और जिस हिसाब से इन लोगों ने अब की बार मेगा ऑक्सन ने प्लेयर्स के ऊपर बोली लगाई काफी पावरफुल बोली लगाई, हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी। यहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा ही पैसे लगा दिए, लेकिन बस दिक्कत इस वजह से होगी इंग्लैंड के प्लेयर्स का शुरुआत में अवेलेबल नहीं होने वाले, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेयर्स इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। प्लेइंग 11 इनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर जो इनके इनके पावर पॉइंट्स की बात करें पंजाब किंग्स के, तो यहाँ पर पावर पॉइंट सबसे पहला आ जाता है मैच विनर, मिडल ऑर्डर और फ्रेश ब्रेक। यहाँ पर मैच विनर्स की बात करें तो जितने भी प्लेयर्स सारे के सारे मैच विनर और काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और मिडल ऑर्डर इनका देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अच्छा, मतलब ऑन कंपैरिजन और अगर टीम से बात करें तो या फिर बहुत ही अच्छा मिडल ऑर्डर बना रखा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है जिस हिसाब से इन्होंने अपने प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं। हालांकि शुरुआती कुछ मैच कगिस रबाड़ा जैसे इंग्लैंड के प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं होने वाले जो कि थोड़ा सा इन्हें दिक्कत दे सकता है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की जो बात करें यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स काफी ज्यादा पावरफुल इंडिया अच्छे प्लेयर्स ले रखे हैं, जैसे कि मयंक अग्रवाल के साथ ये कप्तानी करने वाले हैं, और यहाँ पर शिखर धवन को लेकर इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। मतलब शिखर धवन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ऋषि धवन, शाहरुख खान जैसे बॉलर्स को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। तो यानी कि अगर जो इनकी ओवरऑल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर टोटल प्लेइंग 11 में आ जाते हैं यहाँ पर शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, पी सिंह, लिवांग, ऋषि धवन, शाहरुख खान, ऑडन स्मिथ, संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह, बेनी होली एंड राहुल चहर। यानी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्लेइंग 11 बन चुकी है। तो हम लोगों को लगता है कि ये टीम भी अब की बार प्ले ऑफ तक जा सकती है। आप लोगों को क्या लगता है ये टीम प्ले ऑफ तक जाने के लायक है या नहीं है, तो अपने का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो गाइस यहाँ थे हमारी चार पावरफुल टीम जो कि अब की बार प्ले ऑफ तक जा सकती है। आप लोगों की अगर जो लिस्ट में कोई ऐसी टीम है जो कि प्ले ऑफ तक जा सकती है या फिर इस लिस्ट में कुछ दिक्कत हो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।